में टीवी वन इंडिया न्यूज, मैं हूं विनय कुमार सिंह। आज मैं उपस्थित हूं लातेहार जिला के अंतर्गत डेमू पंचायत के रहिया गांव में। यहां पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा 3200 जनजाति को जागरूक करने के लिए एक बैठक रखा गया था। मैं यहां के बैठक के उद्देश्य क्या रहा है और कितने लोग जमा थे, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। यहाँ के समिति जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जो बैठक चल रही थी, लोग अभी बैठक को संपन्न करके अभी बाहर निकले हुए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मनोज कुमार सिंह। आज अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के आपने बैठक आयोजन किया, बैठक के उद्देश्य क्या रहा है? जो अखिल भारतीय महासभा के जो उद्देश्य रहा है कि हम लोगों को एक संगठित होना है, जो हम लोगों की आज पूरी आदिवासी मिलकर जो हमारे 5वीं अनुसूची जो मांग है, मैं उसमें अडिग रहेंगे और मेरी मांग पूरी हो और मैं पूरे आदिवासी को मैं एक संगठित में लाना चाहता हूँ। धन्यवाद। और लोग भी हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। आप कहाँ से चलकर आए हुए हैं जब यहाँ पर बैठक चल रहा है और इस बैठक में ठोस क्या निर्णय लिया गया? सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए इस बैठक को किस तरह से आगाज किया गया, इस पर आप फोकस करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम सीताराम सिंह है, ग्राम पलरातू सदर प्रखंड लातेहार के ही रहने वाले निवासी हूँ। और यहाँ आज का मीटिंग जो हम लोग था अखिल भारतीय आदिवासी राजमुखी है, ये मीटिंग हम लोग का 3200 जनजाति का मीटिंग था। हम लोग इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए हम लोग दूर दूर से आकर हम लोग बहुत सारे मतलब हर एक जाति के लोग आपके यहाँ मीटिंग किए और एकता बनाने के लिए सभी कार्य तत्पर हम लोग तय किए। और जो भी हम लोग के 5वीं अनुसूची के जाति का जो मांग चल रहा है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, पुरजोर सहयोग करेंगे। जिस तरह से हम लोग सहयोग बनेगा वहाँ जाके जो लड़ाई लड़ना है हम लोग लड़ेंगे और एक साथ रहने रहने का संकल्प भी लिया। धन्यवाद। और लोग भी उपस्थित हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। आज आपने बैठक किया तो क्या इसमें ठोस निर्णय लिया गया? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह मुवार है, मैं गणेशपुर मनातू गणेशपुर से चल करके प्रखंड सरजू है और चल करके यहाँ आया हूँ। ये अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें हम सभी आदिवासियों ने यह निर्णय लिया कि सारे लोग हम लोग अपने हक और अधिकार के